एंड अराउंड जो है ना चीजें कुछ बहुत नेगेटिव हो रही होती हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग डिसीजन नहीं ले पाते. और उन्हीं सारी चीजों से रिलेटेड ही मैं आज आप लोगों के साथ अपनी पूरी जर्नी शेयर करूंगी. बिकॉज लाइक अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह पाक ने ये चीज नवाजी और इतनी रिस्पेक्ट जो हमें मिल रही होती है. अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू जो मुझे इंस्टाग्राम पे इतने प्यारे प्यारे टैग्स करते हैं. और लाइक सीरियसली जो मेरी जो जर्नी है वो कुछ समटाइम मुझे इमोशनल भी कर देती है, बिकॉज के मेरी भी कोई जर्नी आप लोगों से कोई डिफरेंट नहीं है. लाइक 95% जो है ना लोग मेरी जर्नी के साथ अपनी जर्नी को रिलेट कर सकते हैं. बिकॉज जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्टअप करना था, जो सब चीजें जो लोगों के साथ हो रही होती हैं, आप लोगों के साथ जो हो रही होती हैं, या जिन्होंने अभी तक डिसीजन नहीं मेक किया, इंशाल्लाह करीम आज की मेरी इस जर्नी को सुनने के बाद आई एम 110% श्योर कि आप लोग अपने लिए डिसीजन लोगे. बिकॉज अगर मैंने भी उस पॉइंट पर डिसीजन ना लिया होता और इधर और उधर की बस बातों को सुना होता तो आज मैं आप लोगों के सामने ना बैठी होती. और वही लोग जब आप सक्सेसफुल हो जाते हो तो तब लाइक जो आपको रिस्पेक्ट या तब जो आपको बातें इतनी प्यारी प्यारी सुनने को मिल रही होती है कि यार माशाल्लाह यू आर सो लकी. अभी भी लाइक इवन मेरी अपनी फैमिली में भी और मुझे बहुत सारे मैसेजेस भी आ रहे होते हैं कि माशाल्लाह माशाल्लाह यू आर सो लकी और अल्लाह पाक ने आपको इतनी ज्यादा सक्सेस दे दिया. अल्हम्दुलिल्लाह करीम, थैंक यू सो मच, इट्स ओनली बाय अल्लाह. ये सब कुछ अल्लाह पाक की तरफ से ही है. लेकिन देखें अल्लाह पाक का ये भी तो फरमान है ना कि तू हिम्मत कर फिर ही मैं तेरी मदद करूंगा. तो अगर आप अपने कंफर्ट जोन में से निकलेंगे नहीं, जो आपको डिसीजन लेना है या अगर आप कुछ करना चाह रहे हो, तो जब तक आप कुछ करोगे नहीं तो अल्लाह पाक ऐसे ही तो ऊपर से नहीं कुछ भी कर देंगे ना. अल्लाह ताला ने ऊपर से तो मनसलवानी ना आपके लिए फेंकना. ऊपर जब तक आप खुद हिम्मत नहीं करोगे, आप अपने अंदर वो चीज नहीं लेके आओगे कि हाँ मुझे कुछ करना है, और फिर जब आप उसके अंदर अपनी पूरी एफर्ट पुट कर देते हो उस पॉइंट पे आप जो है ना इस चीज की उम्मीद लगा सकते हो कि यस अब मैंने जो भी आपका तवक्कुल इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि हाँ अब अल्लाह पाक की तरफ से भी मुझे सक्सेस मिलेगी. लेकिन अब हम कहें, अब जैसे अगर मुझे ये सेशन करना था, जो मैं कहूं कि नहीं हो जाएगा, ठीक है देखी जाएगी, और मैं अपने कंफर्ट जोन में से ना निकलती या मैं सोई रहती, तो फिर मैं बाद में कह देती नहीं यार ये तो मेरे नसीब में ही नहीं था और ये नहीं होना था, तो नहीं, वो अपने आप को तसल्ली देने वाली बात है जो कि बहुत सारे लोग देते भी हैं. ठीक है, तो जी हाँ अपनी जर्नी को मैं शेयर करती हूँ और मैं इस चीज को स्टार्टअप करती हूँ. और मैं इस चीज को स्टार्ट करने से पहले ही आप लोगों को बल्कि ये चीज बोलूं कि प्लीज टेक अ डिसीजन फॉर योरसेल्फ. आपने जो कुछ भी करना होता है ना वो आपने खुद के लिए करना होता है, आपने किसी के लिए कुछ भी नहीं करना. सो इसलिए प्लीज अपना डिसीजन लेने के लिए किसी से भी मत पूछा करें. आप सक्सेसफुल हो गए तो आप हो गए, वो वाला बंदा नहीं होगा जिसे आपने पूछा होगा. ठीक है, सो आज से 1.5 साल पहले मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था. अल्हम्दुलिल्लाह करीम, आई फील सो मच ब्लेस्ड कि ये मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन था. मुझे लगता है अगर मैंने अपनी लाइफ का कोई सबसे बेस्ट डिसीजन लिया हुआ है तो वो यही वाला था अल्हम्दुलिल्लाह करीम, जिसमें मुझे 0% भी कोई रिग्रेट नहीं है. बल्कि मुझे रिग्रेट तब होता अगर मैं ये डिसीजन ना लेती. तो आज से 1.5 साल पहले, और अभी तो इंशाल्लाह मुझे फरवरी में 2 साल हो जाएंगे पूरे, 17th of February को मैंने 2023 में मैंने इस बिजनेस को स्टार्टअप किया था अल्हम्दुलिल्लाह करीम. एंड माय अपलाइन इज मैविश इस्लाम, सबको पता है. अल्हम्दुलिल्लाह आई फील सो मच ब्लेस्ड कि वो मेरी अपलाइन है और उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत गाइड किया. बल्कि हर अपलाइन ही, आप जिसके भी साथ बिजनेस ज्वाइन कर रहे हो, वो आपको बंदा ऑब्वियसली अगर वो आपको स्पॉन्सर कर रहा है तो ये आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो आपको साथ लेके चले. लेकिन शर्त ये होती है कि आप चलने वाले हो. अगर आप चलोगे ही नहीं और अगला बंदा बस आपको पुश करता रहे करता रहे करता रहे तो वो कितनी देर तक करेगा. तो अगर आप उसके साथ चलना सीख लोगे, अगर आप एक बार गिरोगे, दो बार गिरोगे, तीन बार गिरोगे, चौथी बार आपको चलना आ जाएगा. ठीक है, और फिर आप अपनी अपलाइन के साथ मिलकर भागना शुरू कर दोगे, फिर आपकी सक्सेस इस लेवल पे चली जाती है. ठीक है, तो जी मैंने 17th of February 2023 में जब अपने बिजनेस को स्टार्टअप किया, वही सारी चीजें जो बहुत सारे 98% लोगों को सुनने को मिल रही होती हैं, नहीं ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तुम तो 2 दिन के बाद बिजनेस छोड़ के बैठ जाओगी, तुम तो 1 हफ्ते के बाद बिजनेस छोड़ के बैठ जाओगी, और ये नहीं चलेगा, पहले भी ये देखो इसके साथ स्कैम हो गया, इसके साथ स्कैम हो गया है, ये लोग तो पैसे खा जाते हैं, तुम्हारे भी पैसे खा जाएंगे, ये होगा वो होगा. तो ये सारी चीजें जो है ना, ये सब चीजें मुझे भी सुनने को मिली थी. ठीक है, तो मैंने उस चीज को, उन सारी बातों को मैंने सुना और मैंने सबके डिसीजन को रिस्पेक्ट भी दी कि जी जी ठीक है मैं इस चीज के ऊपर कंप्लीट रिसर्च करूंगी, आप टेंशन नहीं लें, बिकॉज ऑब्वियसली दे ऑल आर माय फैमिली मेंबर्स. ठीक है, मुझे किसी ने बाहर से आके नहीं कहा था कि ये मत बिजनेस करो तुम्हारे से ये हो जाएगा वो हो जाएगा. मुझे जिस जिसने भी बोला था वो सब मेरे फैमिली मेंबर्स ही थे. और ऑब्वियसली हम अपनी फैमिली को कभी भी गलत नहीं कह सकते. हो सकता है कि बहुत सारी पॉइंट्स में हमारी फैमिली ठीक भी होती है, बट मुझे ऐसा लगता है कि नाउ इट्स अ डिजिटल एरा. ठीक है, अभी कल भी मैंने इंशाल्लाह सून बहुत बड़ी चीज़ें रिवील भी होने वाली है हमारी पूरी पावर ईगल्स फैमिली के लिए, और जिन लोगों ने बिजनेस ज्वाइन नहीं किया उन लोगों के लिए भी वो बहुत अमेजिंग चीज़ होगी, वो बहुत आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी. तो उस चीज़ के अंदर भी मैंने यही चीज़ बताई कि देखें हमारे जो पेरेंट्स है ना, लाइक वो समझते हैं कि अगर हमें 10 तक पहुंचना है तो वो जस्ट 5+5 के थ्रू ही पहुंचा जाता है. ठीक है, मतलब लाइक आप मुझे आप लोग जो है ना, आप लोगों को पता होगा 5+5 10 होता है. ठीक है, बट 7+3 भी 10 ही होता है, 6+4 भी 10 ही होता है, एंड 9+1 भी 10 ही होता है. ठीक है, तो हमारे पेरेंट्स जो है ना, उनको ये लगता है कि जस्ट 5+5 ही 10 होता है. अगर आपको 10 के नंबर तक पहुंचना है तो आपको या डॉक्टर बनना पड़ेगा या इंजीनियर बनना पड़ेगा या लॉयर बनना पड़ेगा. उनको सिर्फ ये 3 कैटेगरीज ही पता है. उनको ये नहीं पता कि आप 7+3 के फॉर्मूला से भी पहुंच सकते हो, आप यूट्यूब से भी पहुंच सकते हो. उनको ये नहीं पता कि 6+4 से भी आप 10 तक पहुंच सकते हो, आप इंस्टाग्राम के थ्रू भी 10 तक पहुंच सकते हो, आप टेलीग्राम के थ्रू भी पहुंच सकते हो, आप लिंक्डइन के थ्रू भी पहुंच सकते हो. इट्स आवर डिजिटल एरा, आप सोशल मीडिया के थ्रू भी 10 तक पहुंच सकते हो और बहुत अच्छी अर्निंग जनरेट कर सकते हो. जैसे कि अल्हम्दुलिल्लाह करीम हमारे पावर ईगल्स फैमिली में, बल्कि मेरी अपनी टीम में भी बहुत सारे डॉक्टर्स हैं मेरे साथ. ठीक है, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी पोजीशन पे काम कर रहे हैं. तो अब अगर हम कहें कि यार एक डॉक्टर को क्या जरूरत है एक्स्ट्रा पैसों की, डॉक्टर तो वैसे ही लाखों में कमाता है. नहीं, आजकल जितनी इन्फ्लेशन है, आप बेशक जितना मर्जी कमा लो, लेकिन आपको एक सोर्स, साइड सोर्स ऑफ इनकम जरूर चाहिए. तो देखें ये चीज हमने अपने घर वालों को बतानी है कि अगर हमें 10 तक पहुंचना है तो भाई हम इंस्टाग्राम के थ्रू भी पहुंच सकते हैं ना, ये चीज हमने उनको बतानी है. उनका जो माइंडसेट है वो डॉक्टर, इंजीनियर और लॉयर वाला ही है. तो ये चीज हमने उनको क्लियर आउट करनी है कि हम उस तक पहुंच सकते हैं. और मैंने उस पॉइंट पे अपनी फैमिली की सुनी थी, हर बात सुनी थी, बट मैंने अपनी फैमिली को सिर्फ एक ही चीज बोली थी
कि कोई बात नहीं, अगर अल्लाह ना करे, चलो मान लिया मेरे पैसे डूब भी जाएंगे, 1 करोड़ तो नहीं लगा दिया ना, लोगों के तो करोड़ डूब जाते हैं, बिकॉज बिजनेस जो है वो एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट होता है। बिजनेस करने के लिए आपके पास 70 लाख, 50 लाख, 40 लाख होना चाहिए, फिर आप बिजनेस करते हो। अब जैसे हम लोग अपने भाइयों को, अपने फादर्स को, अपने हस्बैंड्स को यूरोप कंट्री में भेजते हैं, ठीक है, लाखों रुपए लगते हैं ना उसके ऊपर। जी हम अपने बच्चे को इटली भेजेंगे, वो इटली जाकर यूरो कमाएगा, वो हम उसको यूएस भेजेंगे, हम उसको कनाडा भेजेंगे, वो वहां पे जाकर डॉलर्स कमाएगा, फिर उसके बाद जो है ना वो फिर हमें पैसे भेजना शुरू करेगा और हम बहुत अमीर हो जाएंगे। तो भाई वो वहां तक पहुंचने के लिए जो आपने इतने बड़े पैसे उसके लगाने हैं, इतनी मोटी रकम जो उसके लगानी है, वो कहां से आएगी? लेकिन हम लगाते हैं ना, सब कुछ करते हैं। तो उस पॉइंट पे मैंने अपनी फैमिली को यही चीज समझाई थी कि देखिए लेट्स सपोज पैसा डूब भी जाएगा, लेकिन मुझे वहां पे बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा, मुझे ये सबक मिल जाएगा कि नेक्स्ट टाइम मैंने जो भी करना है वो सोच समझ के करना है। अभी भी मैं सोच समझ के ही डिसीजन ले रही हूं, मैंने हर चीज की है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जब मैंने अपने बिजनेस को स्टार्ट करना था और जब मैंने ट्रेनिंग अटेंड की थी ना, तो मुझे जब मैंने डे वन की ट्रेनिंग अटेंड की, मैंने हर चीज को बहुत अच्छे से सुना, लेकिन जब उन्होंने एक बात बीच में बोली थी ना कि हजरत हदीजा भी तो ट्रेडिंग करती थी, और अगर आपको अपना डिसीजन मेक करना है और अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है आप सहारा कर लें, तो आप मुझे बताओ कि जब ये वर्ड आ गया कि आप इस्तेहारा कर सकते हो, फिर उसके बाद मुझे लगता है कि अमाउंट 10 करोड़ क्यों ना हो। आपका ईमान नहीं डोलना चाहिए जब एक चीज आप इस्तेहारा के बेस पे कर रहे हो, आपको इस्तेहारा अगर पॉजिटिव आ रहा है, फिर भी अगर आप उसके लिए सोचते हुए डगमगा रहे हो ना, आई डोंट थिंक सो कि फिर हमारा ईमान स्ट्रांग है या बड़े हमको सच्चे पक्के मुसलमान है। आगे 10 लाख क्यों ना हो, 10 करोड़ क्यों ना हो, जब आपको अल्लाह पाक पे भरोसा है और जब आपको पता है कि अब मैंने नफल अदा कर लिया, मैंने अल्लाह पे भरोसा कर दिया, अब जो होगा देखी जाएगी। मैं मान ही नहीं सकती कि आपका पैसा डूब जाए। मैंने भी यही काम किया था, मैंने नफल अदा किए, मैंने अल्लाह ताला से दुआ की, जो कि मैंने पहले भी अपने इंटरव्यू में बोला था कि अब मैंने जो करना था मैंने कर दिया और अब आगे देखने वाली अल्लाह ताला की ज़ात है। मेरी नियत साफ है, मैंने साफ नियत से अपने बिजनेस को स्टार्टअप किया, मैंने साफ नियत से अपने लिए एक स्टेप लिया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ऑब्वियसली कुछ भी हो जाए, कुछ भी हमारे बिजनेस के अंदर ना बहुत बरकत है, और मुझे उस पॉइंट पर लगता था कि बहुत बरकत डलेगी, क्योंकि हमारा इस्लाम नहीं इजाजत देता कि आप ऐसे बाहर जाके आप जो है ना काम करो, जैसे कि आजकल होता है ना, आजकल जो है ना हर जगह पे को सिस्टम है, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, जॉब्स में, हर जगह पे तो को सिस्टम है, इसी वजह से ही तो इतने सारे मसले भी बाद में पैदा होते हैं ना। तो हमारी तो एक अपॉर्चुनिटी ही ऐसी है कि जिसमें आप किसी के सामने नहीं जा रहे, आप किसी के साथ बैठ के काम ही नहीं कर रहे, आप अकेले काम कर रहे हो, आपकी इज्जत सेफ है, आप सिक्योर हो, आप किसी के सामने नहीं आ रहे, आपकी अपनी मर्जी है। अब अगर मैं आज चाहती तो मैं कैमरा ऑफ करके भी कर सकती थी ना, मुझे किसी ने तो नहीं बोला, ये तो मेरी अपनी मर्जी है, बिकॉज कैमरा ऑन करने का आज मकसद ये है, बिकॉज जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था मैं भी किसी के सामने नहीं आती थी, बिकॉज वो एक हेजिटेशन थी मेरे अंदर भी कि नहीं मुझे किसी के सामने नहीं आना यार, वो होता है कि नहीं नहीं हमें किसी के सामने आकर काम नहीं करना, हम तो नहीं कर सकते, तो वो सब चीजें मेरे अंदर भी थी। लेकिन आज कैमरा ऑन करने का मतलब ये था कि आप सब लोगों को ये चीज पता चल सके, आप सब लोगों को मेरे चेहरे से ये चीज पता चल सके कि जब हम एक राइट डिसीजन लेते हैं तो फिर वो जो इंसान का कॉन्फिडेंस और जो खुशी उसके चेहरे पर नजर आ रही होती है वो आप लोगों को दिख सके, ठीक है। अदरवाइज मेरे साथ तो किसी ने भी कोई जबरदस्ती नहीं की कि भाई तुमने कैमरा ऑन करना है। तो मुझे ना उस पॉइंट पे ही वो जब मैं डिसीजन ले रही थी तो मुझे उस पॉइंट पे ना ये चीज मेरे माइंड में आई कि यार हम तो मतलब इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और एक औरत जो अपने घर पे रह के वो किसी के सामने नहीं जा रही, वो बाहर नहीं जा रही, वो किसी के साथ नहीं बैठ रही, उसको कोई टच नहीं कर रहा, उसको कोई देख नहीं रहा, और वो आराम से अपने मोबाइल फोन को यूज करते हुए, क्योंकि मोबाइल फोन तो हम दिन जो जितना मर्जी हमारे जो बिजी हो हम स्क्रॉलिंग करते हैं भाई, हम स्क्रॉलिंग किए बगैर नहीं रह सकते। मैं मैनेजर पोजीशन पे होने के बावजूद भी आई लव टू सी वॉचिंग ब्लॉग्स, तो मैं डेली बेस पे ब्लॉग्स देखती हूँ। अभी मैं मैनेजर पोजीशन पे काम कर रही हूँ, मेरा स्केड्यूल बहुत बिजी होता है, वल्ला बहुत बिजी होता है, बट हम टाइम निकाल लेते हैं ना, हर इंसान निकाल लेता है, कोई जितना मर्जी का है मेरा बिजी स्केड्यूल वो भी स्क्रॉलिंग करता है। तो उस पॉइंट पे मुझे ये लगा कि यार ये सारी चीजें तो मेरे बिजनेस में बहुत बरकत डालेंगी, और मेरी तो नियत भी साफ है। मैं इधर और उधर सारी बातें सुन रही थी, लेकिन मैं अपने आप से भी पूछ रही थी, और आज भी मुझे कुछ भी करना होता है, मुझे कोई प्रमोशन हिट करनी होती है, मुझे अपनी टीम के लिए कोई प्लानिंग्स करनी होती है, तो मैं हमेशा अपने आपके साथ बात करती हूँ, बिकॉज आई लव माई सेल्फ। मुझे लगता है कि हमें अपने आप से ज्यादा कोई बंदा प्यार नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। आप अपने आप से ज्यादा कोई हो, जब तक आप अपने आप से प्यार नहीं करोगे ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगला बंदा आपसे प्यार करेगा। आप गंदे हो, आप जो है ना अपना ख्याल नहीं रख रहे, तो कोई क्यों आपसे प्यार करेगा, सही है। अगर हमारा बच्चा इवन क्यों नहाओ, अगर वो 4 दिन नहीं नहाएगा तो माँ उसको नहलाएगी ना कि भाई साफ सुथरे रहो, ठीक है। सो आई लव माई सेल्फ। तो और आप लोग भी प्लीज अपने आपके साथ प्यार किया करो यार, आप लोग अपने आपके साथ प्यार करोगे पूरी दुनिया आप लोगों से प्यार करेगी, ठीक है, ये बेशक लिख लो अपनी नोटबुक पे बात। तो मैंने उस पॉइंट पे भी ना मैं अपने आपके साथ बात करती थी कि नहीं यार ऑब्वियसली मेरे बिजनेस के अंदर बहुत बरकत डलेगी, और मेरी तो नियत भी साफ है, और मैं तो साफ नीयत के साथ काम स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि मैं कुछ ऐसा ही चाहती थी। मैं मुझे जॉब से स्टार्ट से ही, जब मैं कॉलेज लाइफ में थी और जब मैं यूनिवर्सिटी लाइफ में थी, तो मुझे उस पॉइंट से ही ना जॉब से बहुत नफरत लगा, मुझे ना डर लगता था, सीरियसली मुझे डर लगता था कि यार मैं इंटरव्यू कैसे पास करूंगी। और अभी जबकि अल्हम्दुलिल्लाह करीम आई डिड मास्टर्स इन इंग्लिश, और मुझे बस पता नहीं वो अजीब सा डर था कि यार मैं किसी को कैसे फेस करूंगी, और मैं कैसे जो है ना किसी से बात करूंगी, किसी के साथ बैठ के, लोग तो इतने कामयाब हैं और माशाल्लाह लोग तो इतने स्मार्ट होते हैं, मैं कैसे काम करूंगी, मुझे तो कुछ भी नहीं आता। तो जब ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिली और जब मैंने विनीश पाजी को देखा, उनकी ट्रेनिंग्स देखी, तो उस पॉइंट पे मुझे भी कुछ नहीं पता था, जैसे कि हमारे पास 98% लोग आते हैं कि बिजनेस ज्वाइन करने के बाद भी नहीं पता होता कि बेसिकली हमें करना क्या है भाई, हमें तो यही नहीं समझ आ रही कि हमने क्या करना है, क्या काम है, काम तो हमें बताया ही नहीं गया। तो इसी तरह से ना यही सेम सारी कंफ्यूजन जो है ना वो मेरे माइंड में भी थी, बट मुझे ना बस एक चीज क्लियर थी कि यार ये भी तो लेडीज ही है ना, तो ये कर सकती हैं तो मैं भी कर लूंगी, कोई मसला नहीं। और सबसे बड़ा अभी मुझे हंसी भी आती है ये चीज सोच के, सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट था ना जो मैं सोचती थी, मैं कहती थी यार मैं अपने घर पे तो हूं ना, घर पे रहकर तो इंसान सारा कुछ ही कर लेता है, कोई मसला नहीं, थोड़ा टाइम लग जाएगा पर मैं सीख लूंगी, मैं कर लूंगी, जो भी होगा काम देखी जाएगी, बस मुझे करना है। मैंने बस यही रट लगा के रखी थी कि मुझे करना है तो करना है, तो करना है, बस करना है, वो चीज मेरे अंदर थी। अब ऑब्वियसली नेगेटिविटी मुझे भी देखने को मिल रही थी, तुम्हारे तो पैसे डूब जाने हैं, देख लेना ये होगा वो होगा। मैंने बोला ठीक है कोई मसला नहीं। मैंने जस्ट उस पॉइंट पर अपने हस्बैंड को बोला कि देखें
मुझे करना है, मैंने सोच लिया कि मैंने करना है, और बहुत सारे लोगों को लाइक हंसी भी आएगी ये सोच के मैंने अपने हस्बैंड को यहाँ तक बोला था कि मैं आपसे पूरा साल, बिकॉज अभी तक फरवरी था, अभी नया नया साल चढ़ा हुआ था, और मैंने अपने हस्बैंड को यहाँ तक बोल दिया था कि यार मैं आपसे पूरा साल कोई एक ड्रेस भी नहीं मांगूंगी वल्ला। अभी लाइक बिकॉज उनको पता है आई लव शॉपिंग, मुझे शॉपिंग करना बहुत पसंद है, इवन कि मैं कपड़े पहनूं या ना पहनूं, बस मेरा दिल होता है यार मैं ये भी ले लूं, ये भी ले लूं, ये भी ले लूं। सही है, तो आप देखो कि जिस औरत को जो सबसे ज्यादा चीज मुझे पसंद है, मैं उसकी कुर्बानी देने तक तैयार हो गई थी। मैंने उनको बोला अभी तो आगे ईद आनी है, अभी तो इतनी सारी चीजें आनी है, मैं वल्ला मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ मैं कुछ भी नहीं लूंगी, कुछ भी पूरा साल कुछ नहीं आपसे मांगूंगी, बस मुझे बिजनेस ज्वाइन करवा दे। मैंने उनको यहां तक बोल दिया था, ठीक है। और फिर मैंने जो है नफल भी अदा किए थे, मैंने जो है अल्लाह पाक से दुआ की कि या अल्लाह मैं बहुत बड़ा जो है डिसीजन लेने जा रही हूँ, और मैंने अपने हस्बैंड के सामने भी बोल दिया कि मैं कर लूंगी मैं कर लूंगी। जाहिर है मैं उनके सामने कह रही थी, बट से मुझे भी डर लग रहा था, हर इंसान को लगता है, तो कि मैं हो जाएगा वाकई मैं कर लूंगी, डिसीजन तो मैंने ले लिया है। और फिर उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है, मैंने उनको बोला खुद जाएं आप ऑफिस विजिट करके आए, आप वेबसाइट देखें, आप रिसर्च करें, कंप्लीट रिसर्च करें। अच्छा अब क्या होता है, हम लोग ना रिसर्च तो करते हैं लेकिन हम लोग ना राइट वे में रिसर्च नहीं करते, हम लोग क्या करते हैं धड़ाधड़ धड़ ठीक है यूट्यूब खोला, व्हाट इज फॉरएवर, व्हाट इज पावरी गर्ल्स। अब वहां पर जो है ना बहुत सारे ऐसे लोग बैठे हुए हैं, जैसे कि आजकल बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो ट्रेंडिंग में, जैसे कि रिजो भट्ट हो गया, डकी हो गया, जुल्कनैन हो गया। अब आप ना जुल्कनैन के अबाउट यूट्यूब पे बेशक अभी लिख के देख लो, उसके सेशन के साथ लिख के देख लो, रिजो भट्ट के अबाउट लिख के देख लो, आपको 90% चीजें नेगेटिव मिलेंगी, 10% चीजें आपको पॉजिटिव मिलेंगी, ठीक है। तो 90% चीजें आपको जो नेगेटिव मिलेंगी ना उसके अंदर 0.5% भी सच्चाई नहीं होगी, ठीक है। तो ये चीज है कि जब आपने रिसर्च करनी है ना आप उसके ऊपर प्रॉपर एक ऑथेंटिसिटी के साथ रिसर्च करो। जैसे कि अल्हम्दुलिल्लाह करीम हमारी अपनी कंपनी की वेबसाइट है, ठीक है, आप रजिस्टर्ड हो या नहीं रजिस्टर्ड हली वही मसला नहीं है। आपने YouTube से रिसर्च कर लिया, जिसकी आपने वीडियो देखी, अगर उसने कोई ऐसे पोस्टिंग कर दिया नहीं नहीं पावरी गर्ल्स में तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा, मैं भी पावरी गर्ल्स में हूं, मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह करीमा जितने सारे लोग मुझे देख रहे हैं, कभी मुझे कोई भी नहीं जानता था, तो ये किस वजह से हुआ, पावरी गर्ल्स की वजह से ही हुआ। तो आपके साथ कुछ भी नहीं होगा, पावरी गर्ल्स आपके एक रुपए पे भी नहीं बैठा हुआ। अगर कोई इंसान आपको ये कह रहा है कि भाई 20,000 में ज्वाइनिंग कर लो और उसने पावरी गर्ल्स का नाम लिया, तो उसका मतलब ये तो नहीं ना कि उसके माथे पर थोड़ी पावरी गर्ल्स लिखा हुआ था, उसने पावरी गर्ल्स का नाम यूज किया। ये आपका काम बनता है कि आप रिसर्च अपनी करें, और मैंने किस तरह से रिसर्च करवाई थी अपने हस्बैंड से भी और खुद भी की थी, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, आप लोगों के लिए ये चीज बहुत हेल्पफुल होगी। अच्छा जी, अब देखो, अब अगर आपको अपने बिजनेस की रिसर्च करनी है, सब FBOs को तो ये पता होगा ना कि हमारी वेबसाइट है, प्रॉपर इंटरनेशनल वेबसाइट है हमारी, अल्लाहुम्मा बारिक अलहम्दुलिल्लाह, तो जरूरी नहीं है कि हम उसके ऊपर प्रेफर्ड कस्टमर रजिस्टर्ड है तभी हम अपनी कंपनी की वेबसाइट ओपन कर सकते हैं। नो, आप लोग सिंपल सिंपल आप गूगल पर लिखें www.foreverliving.com, आपको कंपनी की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। आप कंपनी की वेबसाइट देखें, उसको विजिट करें, उसकी शॉप में जाएं, उसके सब प्रोडक्ट्स को एक्सप्लोर करें, आप उसके प्रोडक्ट को उसके बाद आप यूट्यूब पर रिसर्च करें, आपको 50-100 बेनिफिट्स मिल जाएंगे, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड, आपको 50-100 उसके बेनिफिट्स मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप डायरेक्ट लिखेंगे तो भाई यूट्यूब तो देता ही आपको पैसे व्यूअर्स के नाम पे ना, व्यूअरशिप पे ही तो आपको पैसा मिलता है, ठीक है। तो आप ये देखें कि आपने जिसकी वीडियो देखी, आपने उसकी नेगेटिव बात को सुना, आपने अपने दिमाग में नेगेटिव बात को बिठा लिया, आपने उसको व्यू भी दे दिया, उसने पैसे भी कमा लिए और आपने अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ी मार ली, और उसके बाद आप मुसलसल जो है ना 1 साल 2 साल 6 महीने तक आप तो देखी भी जा रही हो, यार पावरी गर्ल्स की तो ये भी अचीवमेंट आ रही है, पावरी गर्ल्स की तो ये अचीवमेंट भी आ रही है, पावरी गर्ल्स में तो फलाना बंदा मैनेजर बन गया, जिसके साथ मैं कनेक्टेड थी वो बंदी भी मैनेजर बन गई है, ये क्या सीन है। और फिर 6 महीने के बाद साल में 1 साल के बाद जाकर हमें अकल आती है, यार शिट हम भी कर लेते तो सही था। ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ होता होगा, इवन मेरे साथ बहुत सारे ऐसे लोग कनेक्टेड थे जिन्होंने 1-1 साल के बाद, और जब वो मेरे साथ कनेक्टेड हुए थे उस पॉइंट पे मैं असिस्टेंट सुपरवाइजर पे थी, और 1-1 साल के बाद वो रिक्रूट हुआ मैं, तब मैंने मैनेजर भी कर लिया हुआ था। तो किसका नुकसान हुआ है, हम अपना नुकसान बेसिकली करते हैं। तो ये जो सारी चीजें थी ना उस पॉइंट पे लाइक स्टार्टअप करने के टाइम पे मेरे माइंड में आ रही थी, लेकिन मैंने कहा था नहीं यार मुझे डिसीजन लेना है, मुझे करना है, हो गया तो ठीक है, नहीं होगा तो कोई नहीं, थोड़ी डांट पड़ जाएगी घर से, कोई मसला नहीं। हम वैसे भी तो अपने पेरेंट्स कितने सारे पैसे उड़ा देते हैं, जो हाउस वाइफ हैं बड़ी ऑनलाइन शॉपिंग कर लेती हैं, कुछ चीजें सही नहीं निकलती, कुछ सही निकल आती हैं, तो क्या जो है ना हस्बैंड वो मर्डर कर देते हैं, कुछ नहीं होता। मैंने ना ये सारी चीजें पॉजिटिव नेगेटिव सारा कुछ सोच लिया था, अगर नहीं होगा तो मेरे साथ ये होगा, अगर हो जाएगा तो फिर तो क्या ही बात होगी। तो जी ये सारा कुछ किया मैंने, अपने हस्बैंड को वो वेबसाइट दिखाई, फिर मैंने उनको बोला कि आप जो है ना विजिट भी करें जाके, लाइक मैं यूएई में रहती हूँ और जो शेजाद रोड वाला मेन हेड ऑफिस है वो हमारे बिल्कुल पास ही है, वो ऑफिस भी गए, उन्होंने विजिट भी किया, और जो लोग यहाँ पे हैं वो भी जरूर विजिट करें, जो नहीं कर सकते अगर उनका कोई जहाँ पे रहता है तो आप उनसे विजिट करवा लें, कोई मसला नहीं। अदरवाइज अगर आप गूगल पे लिखेंगे भी फॉरएवर लिविंग की लोकेशन आप लिख लें तो वो आपको सारा मैप सामने आ जाएगा, और माशाल्लाह से शेजाद रोड पे हमारा मेन हेड ऑफिस है, तो आई डोंट थिंक सो कि ये दुबई के लॉ में आता है कि आप जो है शेजाद रोड पे कुछ इलीगल काम कर लें, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। सो ये जो सारी चीजें थी ना, जब इन सबसे निकल के मैंने अपने बिजनेस को स्टार्टअप किया अल्हम्दुलिल्लाह, और जब मैंने वो डिसीजन लिया और जब मेरा जर्नी बॉक्स भी घर पे आया और मुझे कुछ नहीं पता था, कुछ भी नहीं पता था कि मैंने आगे क्या करना है और मैं क्या कैसे करूंगी, क्या होगा, मैं कर भी पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, मैं अपनी अपलाइन से पूछती थी कि आपको क्या लगता है मैं कर लूंगी और मुझे हो जाएगा, तो वो मुझे उस पॉइंट पर भी ये कहती थी डेफिनेटली है ना हो जाएगा, तुम कर सकती हो और तुमने ही करना है, तो वो मुझे इस तरह से कहती थी। और मैंने बिस्मिल्लाह पढ़ के अपने बिजनेस को स्टार्टअप किया और बस जो वो मुझे कह रही थी मैंने उसी तरह से किया, हर चीज को किया, हेड डाउन करके मेहनत की। मैंने नहीं उनको बोला मुझसे नहीं हो रहा, नहीं होगा, क्योंकि मुझे पता था, इवन कि मेरे हस्बैंड ने भी मुझे ये बात बोली जब उन्होंने मुझे ये स्टार्ट करवा दिया, उन्होंने मुझे कहा कि अब जो करना है ना अब वो तुमने करना है, अब मैं जो कर सकता था मैंने कर दिया, इसके बाद किसी चीज की उम्मीद ना रखना। और मैंने उनको बोला ठीक है मैं इंशाल्लाह जरूर करूंगी। तो फिर बस हर दिन इंसान सीखता है, बिकॉज माशाल्लाह हमारे डेली बेस पे बहुत स्ट्रॉन्ग वाले जो है ना पावर आवर्स हो रहे होते हैं, पावर आवर्स ऑब्वियसली आपको उसके अंदर हर वो स्किल सिखाया जा रहा होता है जो आपके बिजनेस की बिल्डिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, हर वो इंग्रीडियंट आपको दिया जा रहा होता है, आपको प्रोवाइड किया जा रहा होता है जो आपके बिजनेस को यहां से यहां लेके जा रहा होता है। तो मैंने स्लोली 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 स्टेप बाय स्टेप हर चीज को समझने की कोशिश की, मार्केटिंग प्लान समझा, सोशल मीडिया की ट्रेनिंग लेनी स्टार्ट की, और फिर लाइक बहुत सारे लोग जो है ना मुझे ऐसे भी देख रहे होंगे जो कहते होंगे नहीं हमारे सोशल सर्कल नहीं है, वल्लाह आलम मेरा भी सोशल सर्कल जीरो था, ठीक है, मेरी दो ही फ्रेंड्स थी और उन दोनों ने बिजनेस ज्वाइन किया हुआ, एक तो माशाल्लाह से
वो वैसे माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत रिच है, उसको तो जरूरत ही नहीं थी, मैंने आज तक उसको बिजनेस इनवाइट भी नहीं किया। जो मेरी दूसरी फ्रेंड थी, मैंने गलती की थी स्टार्ट में, जैसे हम आते ही गलती कर देते हैं कि बस जी अब मैं आ गई हूँ, मैं फटाफट फटाफट अपनी फैमिली में बता दूँ, ये भी मैंने मैंने गलती की। और मैंने उसको बिजनेस मुझे कुछ नहीं पता था कि कैसे बताते हैं, क्या करते हैं, हमारा क्या बिजनेस है, जो हमारा बिजनेस है वो भी मैंने उसको नहीं बताया था, मैं उसको सही से एक्सप्लेन ही नहीं कर पाई थी। तो फिर उसके बाद मैंने सोच लिया कि नहीं भाई जनक, तुम्हें दिन रात डट के मेहनत करनी है, काम करना है बस। और फिर मैंने ऑब्वियसली अल्हम्दुलिल्लाह करीम काम किया, स्टेप बाय स्टेप काम किया। फिर मेरे साथ लाइक एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि मेरे हस्बैंड जो है ना वो नाइट शिफ्ट करते हैं, ठीक है, वो अभी भी स्टिल नाइट शिफ्ट कर रहे हैं, मैंने मैनेजर भी कर लिया, फिर उन्होंने अपनी शिफ्ट की टाइमिंग नहीं चेंज की और वो नाइट शिफ्ट करते हैं, और मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम थी बिकॉज ऑब्वियसली सारी दुनिया दिन के टाइम काम करती है और मेरा ऐसा स्केड्यूल सेट है कि मुझे पूरी रात जागना पड़ता है। तो वो सुबह 4 बजे आते थे और उनको फिर आके खाना देना, उसके बाद सब चीजों को देखना और फिर सोना, तो वो बहुत मुश्किल होता था मेरे लिए। अभी भी वही रूटीन चल रही है। तो आप लोग देखो कि लाइक वो चीज भी आई, उसने भी मेरे लिए बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट की कि यार लाइक ये क्या सीना, मैं दिन के टाइम सोई होती हूँ और रात को बाकी सारी दुनिया सो रही होती है, तो मैं कैसे काम करूँ, मुझे समझ में भी नहीं आती थी ये चीज। लेकिन फिर भी मैंने गिव अप नहीं किया। फिर मैंने ये सोचा कि नहीं यार, हमेशा यही सुना है कि जो इंसान कामयाब होता है वो बहुत कम सोता है। लाइक सीरियसली मैं अपने आपके साथ बात करती हूँ और मैं अपने आपको ही तसल्लियां देती थी कि नहीं यार, मैंने तो हमेशा यही सुना है कि जो लोग जो है ना सक्सेसफुल जो होते हैं वो बड़ा कम सोते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली या आप सो लो या आप कामयाब हो लो, एक ही काम हो सकता है। तो फिर मैंने अपने आपके साथ प्रॉमिस किया कि नहीं मुझे ना अब मुझे ही अपने स्केड्यूल को सेट करना है। मैंने अपने हस्बैंड के साथ लड़ाई नहीं करनी कि जो है ना नहीं आप शिफ्ट चेंज करें, मैं तो ऐसे नहीं चल सकती, ये है वो, मुझे ऐसा कुछ नहीं करना, बिकॉज मेरा बेटा भी है और वो माशाल्लाह से तब तो वो छोटा था, अभी तो माशाल्लाह 3 साल का होने वाला है, तो उसकी उसका भी ना मैंने उसकी भी रूटीन ऐसी सेट की हुई थी कि वो डिस्टर्ब ना हो सोने के टाइम पे, तो वो भी उसी टाइम पे सो रहा होता था। फिर मैंने ये बोला कि नहीं यार मुझे ही कुर्बानी देनी पड़ेगी। और फिर मैं क्या करती थी, मैं रात को थोड़ा सा सो लेती थी, क्योंकि मेरी ना बड़ी गंदी आदत है कि अगर मैं सो जाऊं तो फिर मैं उठा नहीं जाता, मतलब उनको सुबह खाना उस टाइम पे देना होता था। इट्स सच अ पर्सनल थिंग, बट बताने का मकसद ये है कि आप लोग इस चीज से सीखो कि यार अगर मैं कर सकती हूँ तो आप लोग भी कर सकते हो। तो फिर मैंने क्या करना, मैंने रात को 1-2 घंटा सो लेना और फिर उसके बाद सुबह थोड़ा सा सो के 2-3 घंटे के बाद 11 बजे फिर मैंने उठ जाना करना। और यहाँ पे लाइक दुबई की लाइफ इट्स सो मच हार्ड, आप लोग सोच भी नहीं सकते कितनी हार्ड लाइफ है। और मैं शेयरिंग में रहती थी और मेरे पास जस्ट 1 ही रूम था, ठीक है, और ऑब्वियसली अब दिन के टाइम लाइट भी ऑफ होती थी, मैं लाइट ऑन करके काम नहीं कर सकती थी। तो फिर मैंने ये डिसीजन लिया कि नहीं यार मैं बाहर जाके काम करूंगी, मतलब मैं नीचे पार्किंग में बैठे काम कर लिया करूंगी। और मैंने यही स्टार्ट किया, मेरे इंस्टाग्राम पे वीडियो भी है जो मैं पार्किंग में बैठे काम कर रही हूँ। तो फिर मैंने नीचे जाके पार्किंग में बैठ के मैंने काम करना शुरू किया और फिर मैं दिन के टाइम काम करने पे आ गई अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर वो चीज मुझे वाकई रिजल्ट भी देना उसने शुरू कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा सुपरवाइजर हिट हो गया, फिर उसके बाद मैंने मैनेजर की प्रॉपर प्लानिंग कर ली और उस पर दिन रात काम किया, ठीक है। तो आप देखो कि जब आप सक्सेसफुल हो जाते हो, अब अगर मैं आपको कहूं कि नहीं भाई आप तो हमारा बिजनेस ज्वाइन करेंगे और आप तो 1 महीने के अंदर मिलियनेयर बन जाएंगे, नो, अगर कोई इंसान आपको ये कह रहा है वो आपके साथ झूठ बोल रहा है। बिकॉज अगर आप कहो कि आप बगैर मेहनत के पहुंच जाओगे, ऐसे नहीं होता। और मेहनत करना ऑब्वियसली, अगर आपको हक हलाल कमाना है तो आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। सो इसलिए मैं हमेशा लाइक जैसे मुझे बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे हैं यू आर माय इंस्पिरेशन, आपसे बहुत इंस्पिरेशन मिलती है, तो मैं हमेशा उस पॉइंट पर उस बंदे को यही बोलती हूँ मेहनत करो, काम करो, आप अपने काम के साथ प्यार करो। देखो अब अगर मैं कहती मेरे पास बहुत बड़ा लेम एक्सक्यूज था ना, अब जैसे कि जब हम बिजनेस में आ भी जाते हैं, बिजनेस ज्वाइन करने के बाद जब हम प्रॉपर मार्केटिंग प्लान को समझते हैं, बिजनेस को समझते हैं कि अब काम कैसे करना है, तो उसके उस पॉइंट पर भी हम जो है ना कह देते हैं यार पता नहीं करेंगे या नहीं करेंगे, होगा नहीं होगा, तो होगा नहीं होगा तो देखी जाएगी। तो आप लोग ये देखो कि मेरे पास कितना बड़ा एक्सक्यूज था इस चीज का अपने हस्बैंड को ये कहने के लिए कि भाई मैं कैसे काम करूं, आप तो दिन के टाइम सोए होते हैं तो मैं कैसे रूम पे बैठ के काम करूं, मैं तो नहीं कर सकती है। मेरे पास था ना लेम एक्सक्यूज, लेकिन मैंने नहीं दिया, बिकॉज मुझे पता था नहीं मुझे अपनी लाइफ को चेंज करना है यार, मुझे उन सब लोगों के मुंह बंद करने हैं जो ये कहते थे कि नहीं तुमने तो कभी जिंदगी में जॉब नहीं की, और मैंने वाकई बोला मैंने कभी जॉब नहीं की, तो मुझे वो उन सब लोगों के मुंह बंद करने थे जो ये कहते थे कि यार इसे तो कभी जिंदगी में जॉब नहीं की, इसको तो पता ही नहीं है कैसे काम करते हैं और जो है ना पता नहीं किसकी बातों में आ गई है और जो है ना इसने अपने बंदे को भी पुठी साइड पर लगा दिया, तो ये हो गया तो वो हो गया, तो मुझे वो सारे मुंह बंद करने थे, ठीक है, बिकॉज इट्स अ हार्श रियलिटी ऑफ अवर सोसाइटी, ये सारी चीजें सबके साथ हो रही होती है, सबके साथ होती है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई कहे कि नहीं भाई हम तो अपने घर वालों को नहीं मना सकते तो ऐसा नहीं होता, अगर आपको कोई चीज चाहिए आप उसके लिए भी तो अपने घर वालों को मना लेते हो ना। सो बेसिकली आपका अपना माइंडसेट बहुत मैटर कर रहा होता है, अगर आपने अपने अंदर ये चीज ठान लिया ना कि मुझे करना है और मुझे हर सूरत करना है, मुझे अपने आप को प्रोडक्टिव बनाना है, मुझे अपनी पर्सनैलिटी को चेंज करना है, मुझे अपनी एक पहचान बनानी है, मुझे अपने स्किल्स पे काम करना है, मुझे हर चीज का पता होना चाहिए। लाइक मैं ऐसी बंदियों का मैं कहती हूँ यार मुझे हर चीज का ना पता होना चाहिए, मुझे न्यू चीजें सीखने का बहुत शौक है, न्यू चीजें एक्सप्लोर करने का बहुत शौक है, बिकॉज आजकल के जो बच्चे भी है ना वो बहुत स्मार्ट है, बहुत स्मार्ट है आजकल। लाइक माँ बाप ना बड़े आराम से ये चीज कह देते हैं, मुझे तो पता ही नहीं है इस चीज का, हमारे जमाने में तो ये चीज ही नहीं थी, और बच्चे आजकल के देखो ना, मैं तो इस एज में फोन का हमें पता भी नहीं था और आजकल छोटी छोटी एज में बच्चों के पास फोन है, तो भैया आप भी सीख लो। लाइक सीरियसली आई हेट दीज पीपल जो कहते हैं कि पैसा तो कुछ भी नहीं होता, पैसा तो कुछ भी नहीं है, और हम लाइक जैसे अब अपने बच्चों को भी हम कहते हैं कि हाँ वो तो बड़े स्मार्ट है, हमें तो किसी चीज का पता नहीं, तो भाई नहीं पता उनको, पता 3 साल के बच्चे को इतना पता चल रहा था, अभी सीख लो ना, अभी सीख लो। दैट्स वाई आई टोल्ड कि आई हेट दिस पीपल जो ये बात भी कहते हैं कि भाई पैसा सब कुछ नहीं होता। ओके ऑल राइट, ठीक है, मान लिया पैसा सब कुछ नहीं होता, पैसा इज नॉट इंपॉर्टेंट, लाइक पैसा इज नॉट मच इंपॉर्टेंट, बट पैसा इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, पैसा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको किसी चीज से खुशी मिल रही है तो वो चीज पैसा ही लेके आएगी, ठीक है। अगर किसी को दुबई बहुत पसंद है और उसको दुबई आने से खुशी मिलेगी, तो दुबई जो है ना फजारे तो स्पॉन्सर नहीं करना ना किसी को भी, ठीक है, आप पैसा लगाओगे तो आप दुबई 1.5 घंटे में आप दुबई पहुंच जाओगे, सही है। तो ये चीज है, इस चीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हम पता क्या कहते हैं, हम अपने आप को बेवकूफ बना देते हैं, ओ नहीं यार हो जाएगा देखी जाएगी, पैसा सारा कुछ थोड़ी होता है, आजकल के लोगों ने तो पैसों को ही सारा कुछ बना लिया। तो अगर पैसों को ही सारा कुछ बना लिया हुआ है तो फिर ये व्लॉग्स क्यों देखते हो आप लोग, वो पैसे ही तो कमा रहे हैं, वो आप लोगों से पैसा कमा रहे हैं, आप लोग उनके व्लॉग्स देख रहे हो और वो पैसा कमा रहे हैं, ठीक है, आप उनको व्यूज दे रहे हो तो वो पैसा कमा रहे हैं, तो फिर ये क्यों करते हो। तो वही अपने लिए कुछ करें ना, अपने लिए कुछ करें,
आप लोग अपने आप को खुद मोटिवेशन दिया करो, किसी से आप लोगों को मोटिवेशन नहीं मिल सकती, किसी की स्टोरी से मोटिवेशन नहीं मिल सकती। सो इसलिए पैसा कमाना बहुत जरूरी है, आपको कोई चीज चाहिए तो वो पैसे से ही आएगी। इस और लाइक जैसे बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं कि हमें फ्री में बिजनेस मिल जाए, हम ना पहले कमा लें तो फिर कर लें, तो देखो कि अगर आपको किसी चीज से पैसा कमाना है ना तो उसके ऊपर पहले आपको पैसा लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे कि अगर किसी का कोई भी रिलेटिव लेट्स सपोज वो यूरोप साइड पे बैठा हुआ है, ठीक है, और अगर आपको उसके साथ बात करनी है, आपको उसके साथ वीडियो पे वन टू वन बात करनी है, तो पहले पैसे लगाने पड़ेंगे ना, पहले अच्छा मोबाइल फोन खरीदना पड़ेगा और फिर आप उसको वीडियो कॉल कर सकते हो, फिर उसके इंटरनेट के लिए भी आपके पास पैसे होने चाहिए, तो तभी आप ये सारा कुछ कर सकते हो ना। तो देखो ये जो सारी चीजें हैं ना, ये सारी समझने की बात होती है। हम कहते हैं नहीं नहीं हो जाएगा नहीं होगा। अब आप देखो अपॉर्चुनिटी और वक्त कभी भी किसी का वेट नहीं करता। अब जो 1.5 साल पहले मेरे पास अपॉर्चुनिटी आई थी, अगर उस पॉइंट पे मैंने उसको ना ज्वाइन किया होता, मेरी जगह पे बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन कर लेना था, किया भी हुआ है। तो अब अगर रोड पे आप देखो कि अगर रोड पे लेट्स सपोज किसी को 5,000 गिरा हुआ है, आप नहीं उसको उठाओगे या आपकी नजर उस पर नहीं पड़ेगी तो कोई और आके उठा लेगा। तो इसी तरह से जो अपॉर्चुनिटी आज आप लोगों को मिल रही है, अगर आप लोग उसको ये समझ के छोड़ दो कि नहीं मेरे साथ तो ये हो जाएगा, मेरे साथ तो कुछ भी नहीं होगा आपके साथ। और ऑनेस्टली स्पीकिंग लाइक मुझे ये नहीं समझ आती, हमारे पास ना बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो ये कहते हैं स्कैम हो गया, ये हो गया। लाइक व्हाट इज स्कैम, स्कैम क्या होता है? एक दफा जरा अपने आपसे पूछें क्या स्कैम है, स्कैम का मतलब क्या होता है? अगला बंदा आपके पैसे लेके भाग जाएगा। तो इस हमारी मुझे ऐसा लगता है कि हमारी तो अपॉर्चुनिटी के अंदर ला कि आप ये कह भी कैसे सकते हो कि आपके साथ स्कैम हो जाएगा? आपने तो किसी को पैसे देने ही नहीं है, किसी को पैसे नहीं देने। लाइक मैं भी सामने मुझे स्पॉन्सर किया था, मैंने तो एक रुपया भी नहीं दिया हुआ, ना उन्होंने मुझसे कोई ट्रेनिंग के पैसे लिए थे, ना उन्होंने मुझसे कोई मेरी ज्वाइनिंग के पैसे लिए हुए। तो हम कैसे कह सकते हैं कि हमारे साथ स्कैम हो जाएगा? मेरे हस्बैंड ने खुद जाकर मेरा 2CC कंप्लीट किया था। सो इसी तरह से तो चलो ये भी मान लिया कि चलो भाई मैं UAE में हूँ, यहाँ पे हेड ऑफिस है तो यहाँ पे तो हम कर सकते हैं, पाकिस्तान में कैसे करेंगे? पाकिस्तान में भी आप कर सकते हैं, आपको किसी इंसान को पैसे देने की जरूरत नहीं है। आपने जस्ट अपना पोर्टल ओपन करना होता है, आपका जो डेबिट कार्ड है, जो आपका ATM कार्ड है, अगर तो वो है लाइक अगर वो इंटरनेशनल है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप अपने बैंक में जाएं, अपने बैंक में कॉल करें, उनको बोलें कि भाई मुझे मेरा कार्ड इंटरनेशनल करवाना है, सिंपल आपका कार्ड इंटरनेशनल हो जाएगा, आप अपना 2CC खुद कंप्लीट कर सकते हैं। अगर फिर भी बहुत मजबूरी है तो जो आपका स्पॉन्सर है जिसके थ्रू आप कर रहे हैं अपना 2CC कंप्लीट, आप उस पर रिसर्च कंप्लीट कर लें, आप सिंपल उसको ये बोलें कि आप मुझे मेरी अपनी अपलाइन मैनेजर के साथ मेरी बात करवाएं, अपने मैनेजर के साथ मेरी बात करवाएं। वो सिंपल आपके साथ अगर आप अपनी मैनेजर के साथ आपकी बात करवा देती है, आप उसकी मैनेजर की प्रोफाइल विजिट करें, बिकॉज अल्हम्दुलिल्लाह करीम अल्लाहुम्मा बारिक जो पावर ईयर्स में जो मैनेजर्स काम कर रहे हैं, हर मैनेजर की प्रोफाइल प्रॉपर सेट है, ठीक है, और आपको प्रोफाइल देख के पता चल जाएगा कि ये पावर ईयर से है या नहीं है। तो देखिए आप अपनी रिसर्च कंप्लीट करें, लेकिन अगर कोई इंसान ये कहे कि मेरे साथ स्कैम हो जाएगा तो वो अपने आपको बेवकूफ बना रहा है, वो अपने आपको धोखा दे रहा है। कोई आपके लिए शहजादा नहीं आएगा, कोई अल्लाह पाक आपके लिए जो है ना ऊपर से कोई फरिश्ता नाजिल नहीं करेंगे जो आपकी हेल्प करेगा। नो, अल्लाह पाक आपकी हेल्प तभी करेगा जब आप अपनी हेल्प खुद करेंगे, जब आप अपने लिए डिसीजन खुद लेंगे तभी कुछ होगा, उससे पहले कुछ भी नहीं होगा। अगर मैंने उस पॉइंट पर स्टेप ना लिया होता तो आज मैं इस स्टेज पर ना होती, मैं भी वहां की वहां पर होती। जैसे लोग बहुत सारे लोग कह देते हैं सीरियसली, मुझे ये बात भी बहुत बुरी लगती है, अगर कोई इंसान कामयाब है, अगर बिनीश अबूबकर कामयाब है या अगर हमारे मैनेजर्स कामयाब है, ऐसा नहीं है कि दे ऑल आर सो मच लकी और अल्लाह पाक उनसे कोई एक्स्ट्रा प्यार करते थे। नो, दे ऑल आर सो मच हार्ड वर्किंग पर्सन्स, पैशनेट पर्सन्स। आप ये कहें तो समझ में आता है, लक नहीं होती कुछ भी, लक भी आपकी तब चलती है जब आप काम करते हो, जब आपका 95% उस चीज के अंदर आपकी एफर्ट होती है, उस पॉइंट पे आप कह सकते हो 5% मेरी लक भी काम करेगी, क्योंकि लक भी तभी चलती है जब आप उसके ऊपर काम करते हो। जब आप काम ही नहीं करोगे, अपने कंफर्ट जोन से निकलोगे नहीं और कहोगे कि बिनीश अबूबकर मिलियनेयर बन गई है तो मैं भी बन जाऊंगी, ऐसा नहीं होता, ठीक है। काम करना पड़ता है, अपने आपको मनवाना पड़ता है, अपने आपको प्रूव करके दिखाना पड़ता है। अब मुझे कुछ भी कोई भी नहीं कहता, अब तो मुझे सारे कहते हैं यार माशाल्लाह तुम तो बड़ी सक्सेसफुल हो गई हो, ये हो गया वो हो गया। भाई वो उस सक्सेस के पीछे की जो स्टोरी है, जैसे कि आपको मेरे इंस्टाग्राम पे भी मेरी बहुत सारी अचीवमेंट्स दिखने को मिल रही होती है और अल्हम्दुलिल्लाह करीम सक्सेस पे हमें रिकग्निशन मिल रही होती है, तो उस रिकग्निशन के पीछे और उस स्टोरी के पीछे जो एक जो पूरी जो एक वो सक्सेस की जो स्टोरी होती है ना, अगर आप उसको एब्जॉर्व कर लो ना, और अगर आप उसको ऑब्जर्व करो कि यार ये वाकई इस बंदे ने मेहनत की है, दैट्स व्हाई ये स्टेज पे खड़ा है, वल्ला यू आर सक्सेसफुल, आप सक्सेसफुल हो अगर आप उस चीज को देख लो तो। सो इसलिए ये चीज अपने जहनों से अपने दिमागों से निकाल दें कि फलाना बंदा बड़ा लकी है, ये है वो है, दैट्स वाई वो स्टेज पे है। अगर कोई इंसान जो है ना सक्सेस पे उसको रिकग्निशन मिल रही है, ये सारी चीजें हो रही है तो बड़ा लकी है, तो उसको सक्सेस मिल गई। नो, आप सब भी बहुत लकी हो, यू ऑल आर मुस्लिम्स। अल्लाह पाक पे तवक्कुल स्ट्रॉन्ग रखें, अपना भरोसा स्ट्रॉन्ग रखें, नफल अदा करके बिजनेस को स्टार्ट करें, ये हो ही नहीं सकता कि आपको इसमें सक्सेस ना मिले, बिकॉज अल्हम्दुलिल्लाह करीम वी आर नंबर वन टीम इन होल मिडल ईस्ट। पावर ईगल्स वो वाहिद टीम है जो पूरे मिडल ईस्ट में टॉप वन पे आती है, बिनीश अबूबकर वो वाहिद बंदी है जो पाकिस्तान की फर्स्ट डायमंड मैनेजर है और फर्स्ट GLT है, ठीक है। सो फॉर श्योर अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव सो मच स्ट्रॉन्ग सिस्टम, बिकॉज अब अगर कोई स्कूल बहुत टॉप पे जा रहा है दैट मींस कि उसका सिस्टम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि अब हर स्कूल में मैट्रिक ही करवाया जाता है ना, हर स्कूल में मैट्रिक होता है, ठीक है। लेकिन अगर कोई स्कूल बहुत टॉप पे जा रहे हैं दैट मींस कि उनका सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो इसी तरह से फॉरएवर के नाम पे लाइक बहुत सारे लोग काम तो कर रहे हैं, कंपनी के नाम पे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, बट उनकी स्ट्रेटजी स्ट्रॉन्ग नहीं है, उनकी जो पॉलिसीज हैं वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, उनका काम करने का तरीका का स्ट्रॉन्ग नहीं है, दैट्स वाई वो सक्सेसफुल नहीं होते, ठीक है। बट अल्हम्दुलिल्लाह करीम के पावर ईगल इज अ नंबर वन टीम, बिकॉज उनकी स्ट्रेटजीज बहुत स्ट्रॉन्ग है, हमारा सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है, हमारा सिखाने का तरीका बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, दैट्स वाई हम लोग जो है ना वो टॉप वन पे आप सबको दिख रहे होते हैं। सो इसलिए प्लीज अपना डिसीजन लें, और डिसीजन लेने में इधर और उधर मत ध्यान दें, सुने सबकी, करें अपनी, बाद में वो सब कुछ आपको मिलेगा, वो सब चीजें आपको मिलेंगी और वो हर जगह से अप्रिसिएशन भी मिल रही होगी। वही लोग आके आपसे आपके बिजनेस के बारे में पूछेंगे जो लोग 1 साल पहले या 6 महीने पहले आपको बोलते थे तुम्हारे साथ ये हो जाएगा, वल्लाह आलम आपके साथ कुछ भी नहीं होगा। अगर आपका तवक्कुल स्ट्रॉन्ग है,
अल्लाह पे भरोसा रखें, नमाज अदा करें, हर नमाज में अपने बिजनेस के लिए दुआ करें, बिकॉज आप कुछ गलत नहीं कर रहे। कंपनी 174 कंट्रीज में काम कर रही है, आप काम करोगे आपको फायदा, आप काम नहीं करोगे कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज कंपनी में ऑलरेडी 10 मिलियन पर्सन काम कर रहे हैं। ठीक है, सो इस चीज को सोचें, आपने जो भी करना है आपने खुद के लिए करना है। अगर 6 महीने के बाद आप स्टेप लोगे, 6 महीने के बाद आप डिसीजन लोगे, तो भी आपका ही आप डिपेंड करता है, आपकी सक्सेस थोड़ी आपको लेट मिलेगी। अगर आप अभी अपने लिए डिसीजन ले लोगे तो उसमें भी आपका फायदा, बिकॉज हम तो अर्निंग कर रहे हैं, हम तो काम कर रहे हैं। जो लोग पावर ईगल्स में काम कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं ना, वो तो पैसा कमा रहे हैं, उनके स्किल्स पॉलिश हो रहे हैं, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट अप हो रहा है। और मुझे देख के अभी, जैसे मैंने आप लोगों के साथ अपनी स्टोरी शेयर की, और मैं यही बात बोलूंगी कि मुझे देख के अब आप लोगों को ये चीज का आइडिया हो जाना चाहिए कि देखो, अगर मैं स्क्रैच से स्टार्ट कर सकती हूँ, अगर वो सारी चीजें मुझे भी सुनने को मिल सकती हैं जो कि आप लोगों के साथ भी हो रही होती हैं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, उसके बावजूद भी अगर स्टार्ट करके मैंने खुद को मनवाया, मैंने खुद को प्रूव किया, फॉर श्योर आप भी कर सकते हो। और वो जो मैंने प्रूव किया वो इसी सिस्टम के थ्रू किया, पावर ईगल्स के सिस्टम के थ्रू किया, क्योंकि हमने हमारे बिजनेस के अंदर खुद से तो कुछ क्रिएट ही नहीं करना, हमारा पूरे का पूरा सिस्टम सेट है, हमारा ट्रेनिंग सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है अल्हम्दुलिल्लाह करीम, और हमारी सारी चीजें सिखाने की चीजें और सोशल मीडिया की ट्रेनिंग, ईच एंड एवरीथिंग की ट्रेनिंग इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जो आपको प्रोवाइड की जा रही होती है। तो आपने खुद से कुछ क्रिएट ही नहीं करना, जैसे मैंने अपने बिजनेस में खुद से कुछ भी क्रिएट नहीं किया था, मुझे जो जो चीजें सिखाई गई जैसे जैसे सिखाई गई अल्हम्दुलिल्लाह आज इस काबिल मुझे पावर ईगल्स में बना दिया अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं इतने सारे लोगों को ट्रेनिंग दे रही हूँ। सो दिस इज द रियल सक्सेस। जब मेरे बहुत सारे टीम मेंबर्स बल्कि सब ही टीम मेंबर्स इतनी सारी दुआएं दे रहे होते हैं, सो दिस इज द रियल सक्सेस कि जब आपको दुआएं मिलती हैं। और ये हमारा जो बिजनेस है, मुझे लगता है बेसिकली वो दुआएं लेने का ही बिजनेस है, बिकॉज अल्लाह पाक का भी फरमान है कि तू दूसरों के लिए आसानी पैदा कर, मैं तेरे लिए आसानी पैदा करूंगा। तो इसमें हमारे बिजनेस में कोई जेलसी नहीं है, अगर कोई इंसान जो है ना बहुत सक्सेसफुल हो रहा है तो उसको खुद भी नहीं पता होता कि उसके लिए कहां कहां से क्लैपिंग हो रही है। ठीक है, ये है हमारा बिजनेस। तो आई होप कि आप लोगों को जो है जो मैंने चीजें बताई हैं वो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होंगी। सो प्लीज टेक अ डिसीजन फॉर योरसेल्फ, आपने किसी के लिए नहीं लेना। जब आप कामयाब हो जाओगे हर इंसान आपके लिए क्लैपिंग करेगा, लेकिन जब आप कामयाब नहीं हो तो आपको अपनी जगह खुद ही लड़नी है, आपको अपने आपको प्रूव खुद ही करना है, और वो आपको ही करना है, वो आपके अलावा कोई भी नहीं कर सकता, बिकॉज यू आर अ सुपरस्टार। ठीक है, अपने आपको सुपरस्टार बोला करें, जो आप कर सकते हो ना वो आप ही कर सकते हो। जो औरत एक टाइम पर पूरा घर संभाल सकती है ना वो सारा कुछ कर सकती है। सो प्लीज अपने आपको डीमोटिवेट मत किया करें, अपने आपको डीग्रेड मत किया करें, अपने आपको रिस्पेक्ट दें, आप खुद को रिस्पेक्ट देंगे सारा जमाना आपकी रिस्पेक्ट करेगा। ठीक है, सो टेक केयर टू ऑल ऑफ यू। आई होप कि मेरी जर्नी आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी, आप लोगों के डिसीजन लेने में बहुत हेल्पफुल रहेगी, बिकॉज जब आप अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं तो उसमें बरकत भी होती है। और एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगी, जैसे कि बहुत सारे लोगों को पता होगा, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि पावर ईगल्स ने जो है ना पाकिस्तान में जिन साइड्स पे साफ पानी पीने को नहीं होता, पावर ईगल्स के नाम पे वहां पे वाटर पंप्स भी बने हुए हैं। ठीक है, तो आप अपने बिजनेस को सदका जारिया के साथ भी स्टार्ट कर रहे हो, तो आप देखो कि जो चीज आपकी सदके के साथ स्टार्ट हो रही है, जिस चीज में अल्लाह की मर्जी शामिल है, जिस चीज में अल्लाह का नाम शामिल है, ये कैसे हो सकता है कि आपको उसमें सक्सेस ना मिले? डेफिनेटली मिलेगी, बस एक शर्त है कि आप खुद मेहनत करने वाले होने चाहिए, आपके अंदर इतना पैशन होना चाहिए कि मैंने अपने आपको बदलना है। सिस्टम आपका वेट कर रहा है, हम लोग रेडी हैं आपको सिखाने के लिए, हर चीज करने के लिए, हर चीज आपको सिखाई जाएगी, हर चीज आपको बताई जाएगी, जस्ट आपने एक डिसीजन लेना है और अपनी लाइफ को चेंज करना है। ठीक है जी, सो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू एंड अल्लाह हाफिज, टेक केयर टू योरसेल्फ, बाय बाय।